नमस्कार बहुत स्वागत है आपका मैं हूँ आपके साथ प्रेरणा मिश्रा और आज हमारी इस खास पेशकश में हम बातचीत करने वाले हैं दर्शकों को भी आशीर्वाद दिलवाने वाले हैं जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी से तो चलिए स्वागत करते हैं और सबसे पहले गुरु जी आपको मेरा प्रणाम और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ परिवार की ओर से उनके दर्शकों की ओर से भी आपको प्रणाम अरे अरे आशीर्वाद गुरु जी सबसे पहला सवाल मेरा यही है कहते हैं कि ईश्वर अगर कोई एक क्षमता हमारे शरीर से लेता है तो हमें दूसरी क्षमता देता है सुना यह भी है कि राम भद्राचार्य जी ने साक्षात प्रभु श्री राम के दर्शन किए हैं स्वरूप कैसा है उनका जरा वर्णन कर दीजिए मैं स्वयं जगत गुरु राम भद्राचार्य बोल रहा हूं देखिए दर्शन होते न होते तो पचहत्तर वर्ष मस्ती मेरे कैसे बीतते बिल्कुल मैं कैसे न करूं मुझे दर्शन होते हैं आनंद आता है निश्चित रूप से और हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि उनके आराध्य प्रभु श्री राम आखिर दिखते कैसे हैं जरा उनके स्वरूप का वर्णन बहुत कर सुंदर जी बहुत सुंदर दिखते हैं नीले वर्ण के आसमानी वर्ण के मधुर मधुर मुस्कुराते हुए उड़े हुए कपोल घुरा पीताम्बर दशरथ जी के यहां घुटनों से चलते हुए प्यारे प्यारे रूप से बहुत खूब तो दर्शक भी जान गए होंगे कि उनके प्रभु श्री राम कैसे दिखते हैं क्योंकि जैसे ही स्वामी राम नहीं आप जी हूं स्वयं मैं बिल्कुल स्वामी राम भद्राचार्य जी का जैसे ही नाम कोई सुनता है तो धर्म आध्यात्म सनातन सभी से जोड़ लिया जाता है इस चर्चा को भी हम उसी ओर आगे बढ़ाते हैं स्वामी जी और कहा जाता है कि धर्म और आध्यात्म दोनों एक ही नाव के दो पहलू हैं इनमें अंतर क्या होता है मैं आपसे समझना चाहूंगी नहीं धर्म और अध्यात्म दोनों पर्यायी है जी पर धर्म थोड़ा व्यापक है अध्यात्म तो केवल परमार्थ से जोड़ा जाता है और धर्म को तो लोग परलोक दोनों से जुड़ा जाता है बिल्कुल मैं मानता प्रेरणा जी जी अपने कार्यों को निष्ठा पूर्वक निर्वहन करना है सबसे बड़ा धर्म। निश्चित रूप से। बिल्कुल और आध्यात्मिकता जो कि हम हमारे निजी दिनचर्या में करते हुए आ रहे हैं भगवान की भक्ति भगवान के भक्ति में लीन होना गुरु जी एक और सवाल है मेरा एक बात आजकल जोर शोर से देश की राजनीति में उठ रही है वो हिंदू राष्ट्र की हिंदू राष्ट्र की मांग बहुत ओर से देखने मिल रही है लेकिन कहा जाता है हिंदू शब्द हिंदी भाषा का नहीं है तो क्या ये मांग नहीं उठनी चाहिए कि राष्ट्र सनातनी हो हिंदू राष्ट्र नहीं मैं, मैं प्रेरणा जी, जी बोलू जी पहली बात ये सबसे बड़ी शरारत है लोग करें हिंदू शब्द हिंदू राष्ट्र हिंदी नहीं है जी मधु क्षरण तिहिंदव है जैमिनी शाखा जैमिनी शाखा में सिंधवा को हिंदवा ही कहा जाता है अच्छा को ही आदेश हो जाता है व्याकरण में हीनाम दुनंती जो हीन भावना को नष्ट से हिंदू कहते हैं ये भ्रम छोड़ देना चाहिए शुद्ध हिंदू शब्द है हिंदू शब्द शुद्ध संस्कृत का है भारतीय संस्कृत है परिनिष्ठित भी है। अच्छा हिंदू राष्ट्र की मांग पर राम भद्राचार्य जी के क्या विचार है? मेरे हैं मेरे विचार तो यही जी हिंदू राष्ट्र होना चाहिए जब मुस्लिम राष्ट्र हो सकता है एक सौ चालीस लगभग मुस्लिम राष्ट्र है जब पाकिस्तान भिन्न भिन्न हिंदुस्तान क्यों नहीं हो सकता हो सकता है और होगा भी प्रेरणा जी थोड़ी देर थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी होगा आज इस देश में यह मांग बहुत जोर शोर से उठ रही है न केवल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अलग अलग कोनों से खास तौर पर भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या से ये मांग बहुत तेजी में उठ रही है लेकिन एक और हम हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं गुरुजी दूसरी ओर हम एक और चीज अपने हाथ से खोते जा रहे हैं वो है भारतीय संस्कृति उसको बचाने के लिए कोई उपाय है क्या उपाय मेरी कथा होती है हजारों के, लाखों की संख्या में लोग सराते संस्कृत को अपनाते हैं और तो मेरे वक्तव्य से तो मैं सभी वक्ताओं से कहूंगा भारतीय संस्कृत को पढ़ना चाहिए और पढ़कर ही अपना वक्तव्य प्रस्तुत करना चाहिए बिल्कुल ये कथा से याद आए मुझे गुरुजी आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आपने एकदम लंबे समय से आप कथा करते आ रहे हैं 24 तक आपकी प्रतापगढ़ में कथा थी फिर फिर सुल्तानपुर में भी कथा थी कल ही आप उस कथा से खाली हुए और आज हाँ आप हमसे बातचीत के लिए यहाँ पर जुड़ गए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भगवान श्री राम को लेकर आज हम चर्चा आपसे कर रहे हैं इसलिए चाहूँगी गुरु जी एक भजन भगवान श्री राम के लिए आपकी ओर से एक पद क्या सुनना चाहते हैं जी मैं तो कहूंगा हम्म मंगल भवन अमंगल मंगल हि द्रव सुदक्ष अजीर बिहारी सत्य शोध पालक श्रुति सेतु तो, राम जनम जग हेतु बहुत खूब बहुत खूबसूरत गुरु जी आपका आश्रम जिस स्थान पर है वो भगवान श्री राम की तपोस्थली है भगवान श्री राम और भरत के मिलाप का भी स्थान वही है और भगवान ने अपने वनवास काल में सबसे ज़्यादा समय भी वहीं काटा है प्रभु श्री राम के उस तपोस्थली उस दौरान की कोई जीवन काल की कोई चौपाई है क्या जो कि हम दर्शकों को सुना सकें रघुनंदन छाए समाचार सुनी सुनी मुनि आए बिल्कुल <laughs> बहुत खूब और ए, एक और सवाल है मेरा क्योंकि आज देश आधुनिकता की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा है हम खुद भी कई तरह के प्रयास कर रहे हैं चाहे हम ए की बात कर लें डिजिटल इंडिया की बात कर लें और दूसरी ओर है हमारी संस्कृति इन दोनों का तालमेल कैसे बना सकते हैं जो लोग इस वक्त... सकता है, है। प्राचीनता का नवीनता से समन्वय करना ही तो संस्कृति है संस्कृति शब्द का होता मेल जी अच्छी बातों को सबसे ले लेना बिल्कुल तो सर्वत्र अच्छी बात मिल जाएंगी लेना चाहिए यानी अच्छी बातें लेने में गुरेज नहीं है लेकिन हमें इस बात का अंतर मालूम होना चाहिए कि अच्छा क्या है बुरा क्या है जिस पर हमारी आत्मा प्रसन्नता से समर्थन कर दे वही अच्छा है और जिसका हमारा मन विरोध करे वही बुरा है अच्छा गुरु जी इस बात से मेरे को एक और बात याद आई कि आमतौर पर जब हम बात कर रहे होते हैं हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है वो सही है ऐसे में सही और ऐसा नहीं है जी जी ऐसा ही बेटी जी प्रत्येक व्यक्ति जब अच्छा करने जाता अच्छा अच्छे का समर्थन आत्मा करती ही है वो भले बुरे का आत्मा बुरे का समर्थन कभी नहीं करती भले हट शर्म करे कोई किसी की भी आत्मा बुरे कर्म का समर्थन नहीं करती बिल्कुल <laughs> ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसी के साथ एक और सवाल होगा मेरा आ, हम जीवन जी रहे हैं लेकिन कभी कभी लोग उद्देश्यहीन हो जाते हैं उसके चलते कई तरह के कदम भी उठा लेते हैं लेकिन जीवन का मूल उद्देश्य है क्या राम भद्राचार्य जी किस तरह से सोचते हैं इसे मैं आपसे समझना चाहूंगी जीवन का मूल उद्देश्य है मुख्य मुख्य कहो राम तन से करो काम जी तो ये इसीलिए जी के अध्याय के सातवें श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा सर्वे शु, मामर मन से मेरा करो से रण करो और बिल्कुल स्वामी जी आपका नाम है राम भद्राचार्य नाम में राम है और मैं कथा आपकी आ, मैंने भी सुनी है भगवान श्री कृष्ण के जीवन का जिस तरह से आप उल्लेख कर रहे थे कहा जाता है विष्णु के ही अवतार हैं राम भी विष्णु के ही अवतार हैं कृष्ण भी लेकिन दोनों के जीवन काल में जीवन जीने के तरीके में और दोनों के उद्देश्य में बहुत फर्क था आप क्या फर्क समझ पाते हैं जी अंतर ये है जी श्री कृष्ण की कथा को सुननी चाहिए वो श्रवणीय है अनुकरणीय नहीं है राम जी की कथा सुननी भी चाहिए और जीवन में उतारने का प्रयास भी करना चाहिए निश्चित रूप से आज वर्तमान की अगर मैं बात करूं हमारे जीवन में कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं गुरु जी जो कि आप समझ पा रहे हैं और आम प्राणी को उन चुनौतियों का सामना कैसे करना है प्रत्येक जीवन जीवन का प्रत्येक क्षण चुनौती से भरा हुआ है जी तो मुझे तो यही लगता है कि प्रत्येक क्षण हमारा चुनौती से भरा हुआ है और चुनौतियों का सामना वही कर सकता है जिसके जीवन में भगवान का स्नेह होता है जिसके जीवन में भगवान का मा अनुराग होता है जिसके जीवन में भारत माता का आशीर्वाद होता है। बिल्कुल। और स्वामी राम भद्राचार्य जी ने एक रामायण आपने खुद लिखी है जिसमें कि तुलसीदास जी की रामचरित मानस से कुछ चीजों को संशोधित कर, कर वो रामायण लिखी गई है नहीं नहीं जी नहीं, नहीं जी, जी। मैंने स्वयं नहीं लिखी है जी, मुझे दुख इस बात का है कि मीडिया वाले लोग संशोधन और संपादन का अंतर नहीं समझते आ, मैंने रामायण का संशोधन नहीं किया है मैंने संपादन किया है संपादन कर तो है कि पुरानी प्रतियों से प्रामाणिक पाठ को ले लेना गीता तो प्रेस ने बयालीस सौ गलतियां की हैं। पुराने प्रति से नहीं लिया और मैंने पुरानी प्रति से लिया संपादन मेरा प्रामाणिक है इन लोगों ने मेरे पर मुकदमा किया और मैं मुकदमा जीता जी। और कह दिया कि सबसे जगत गुरु राम भद्राचार्य का है और ये निश्चित रूप से मैं भी इस बात को स्वीकार करती हूँ क्योंकि मैंने भी उस रामायण को पढ़ा है जो स्वामी राम भद्राचार्य जी ने लिखी है हालांकि मैंने पूरी तरह से वो रामायण नहीं पढ़ी है लेकिन मैंने कुछ मैं आपको जी आपको चलिए ये आपके आशीर्वाद स्वरूप में स्वीकार करूंगी गुरु जी एक और सवाल है मेरा क्योंकि आज जिस तरह से दीपावली अब नजदीक है और एक बहुत ही मन में बहुत सवाल है क्योंकि इस बार 31 को भी लोग दीपावली मना रहे हैं एक को भी लोग बोल रहे हैं कि दीपावली है वो कौन सा शुभ मुहूर्त है जबकि लोग असल में दीपावली की पूजा कर सकते हैं कल ही है जी इकतीस को 31 को दीपावली मनाई जा सकती है और क्योंकि अभी हम कोर्ट की बात कर रहे थे रामभद्राचार्य जी दे। मुझे याद है कि आपने भगवान श्री राम कब जन्म लिए थे कहाँ जन्म लिए थे, उसकी आपने उसको समय के साथ उसका उल्लेख किया था वो समय क्या है मैं चाहूंगी हमारे दर्शक भी सुन सके किसका समय? आपने भगवान श्री राम का जन्म जब हुआ था उस समय का भी उल्लेख आपने किया था हाँ। जी वो तो मेष के मेष के मेष के मेष सूर्य मकर मेष के सूर्य मकर के मंगल तुला के शनि कर्क के बृहस्पति और मीन के शुक्र जब होते तब राम जी का जन्म माना जाता बिल्कुल और राम कहते हैं कि आ, मानव के कण कण में बसते हैं हमारे अंदर राम है हमारे बाहर राम है चित्रकूट में अगर कोई जाए तो चित्रकूट में तो पूरा माहौल ही भक्तिमय और राममय नजर आता है क्या बात है यहाँ तो बारह वर्ष तक भगवान रहे थे और न्याय चित्रकूट कभी छोड़ते ही नहीं भगवान राम बिल्कुल और वो बहुत ही पावन भूमि है निश्चित रूप से मैं ये स्वीकार करती हूँ मैं हाल ही में चित्रकूट से आई गुरु जी और मुझे आपसे मिलने का सौभाग्य नहीं मिल पाया मुझे उसका दुख भी है लेकिन अगली बार आऊंगी मैं आपसे जी अरे अपने, अपने बेटे को फिर हम बुलाएंगे आशीर्वाद आपका आप एक और सवाल है मेरा आ क्योंकि मध्य प्रदेश को कहा जाता है भगवान श्री राम की भूमि है चित्रकूट के साथ साथ ओरछा भी एक स्थान है मध्य प्रदेश में जहां पर भगवान श्री राम दिन भर वास करते हैं अयोध्या रात्रि कालीन में जाते हैं हम सभी भगवान श्री राम के जीवन का आ, हम कहते हैं अनुयायी हैं हम भगवान श्री राम के जीवन के बहुत से लोग कृष्ण को पूछते हैं बहुत से लोग राम को पूछते हैं और मुझे लगता है कि दोनों में थोड़ा मतभेद भी हो जाता है वो मतभेद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए अपने दृष्टिकोण है मतभेद नहीं होना चाहिए राम कृष्ण कोई अंतर नहीं है भगवान श्री राम आम जीवन को सबसे बड़ी सीख क्या देते हैं आप क्या समझ पाते हैं मर्यादा मर्यादा जीवन में मर्यादा होनी चाहिए मर्यादा और इसी के साथ मुझे लगता है प्राण जाए पर वचन न जाए हालांकि आजकल ये नहीं। संभव नहीं है गुरुजी। नहीं सब कुछ संभव है मैं एक और चाहूंगी कि स्वामी राम भद्राचार्य जी भगवान श्रीराम की भक्ति में एक और भजन गा गाने का, का समय मैं जी पर इतना जान जी ओ जय जय बहुत शुक्रिया स्वामी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए तो ये थे हमारे साथ जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी भगवान श्री राम का वर्णन करते हुए भगवान श्री राम की भक्ति में लीन स्वामी राम भद्राचार्य जी लोगों को यही उपदेश देते हुए कि हमें हमारी मर्यादा कभी नहीं भूलनी है क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के हम अनुयायी हैं